आइए आज बात करते हैं दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल की। दो बार सरकार बना चुकी है, 67 सीट मिलने के बाद अब तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया अरविंद केजरीवाल ने। लेकिन लगातार केजरीवाल जब भी सरकार में रहे, रेवड़ियां बांटने का काम किए, बिजली, पानी, और फिर इन्होंने 200 यूनिट तक बिजली माफ़ की बात किया है। और केजरीवाल सरकार को लग रहा है कि इस बार विधानसभा केजरीवाल सरकार 200 यूनिट तक की बिजली की माफ़ी की बात की है, और उनको इस बात का डर है कि इस बार वो सरकार नहीं बना पाएंगे, इसलिए महिलाओं को DTC बस में, मेट्रो में और 200 यूनिट बिजली माफ़। ये साफ दिखाता है कि केजरीवाल डरे हुए हैं कि वो विधानसभा में सरकार नहीं बना रहे हैं और BJP को रोकना चाहते हैं। वहीं शीला दीक्षित अब नहीं रही तो कांग्रेस उनके सामने कठिनाई नहीं खड़ा कर पाएगा, और BJP को रोकना है तो रेवड़ियां बांटनी आवश्यकता है। क्या केजरीवाल जी रेवड़ियां बांट रहे हैं? जहां तक शीला जी का सवाल है, बहुत अच्छी मुख्यमंत्री थी दिल्ली की और सारे पार्टी के लोग बहुत सम्मान करते हैं उनका। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, अमित भाई शाह जी ने, अन्य लीडरों ने इनके नाम पे शोक जताया था। और जहाँ तक कांग्रेस की बात है, उस पर मैं टिप्पणी करने के दायरे में नहीं हूँ, फिर से मैं एक चीज़ को बोलना चाहूँगा। लेकिन अब केजरीवाल की जहाँ तक बात है, तो पहली बार ये दिल्ली BJP का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने वाला है कि जितनी शायद 70 में से 60 से ऊपर सीटें लेके भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार बनाने वाली है इस बार। इतनी श्योरिटी किस बात की लेकर? श्योरिटी ऐसे आती है कि 200 यूनिट बिजली, महिलाओं का फ्री ट्रैवल, ये करना मेट्रो में, बस में, इससे इनका कहीं ना कहीं एक अंदर की हिचकिचाहट दिखाती है। अगर इन्होंने परफॉर्मेंस दी होती दिल्ली में, या ये किसी वजह से एक अच्छे मुख्यमंत्री रहे होते, एक रिस्पॉन्सिबल मुख्यमंत्री रहे होते, हूट एंड स्कूट की राजनीति नहीं करते, तो शायद इनको ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दिल्ली का एक बजट है, उस बजट के अंदर अगर आप 200 यूनिट की बिजली माफ़ कर रहे हैं, क्या आपने जनता को बताया कि दिल्ली का कितना खर्चा होता है सालाना? क्या दिल्ली में टैक्सेशन कितना इकट्ठा होता है? दिल्ली का फिस्कल बजट, फाइनेंशियल बजट के अंदर क्या प्रावधान है? क्या वो 200 यूनिट बिजली दे सकते हैं, क्या वो 200 यूनिट बिजली नहीं दे सकते हैं? वो तो सिर्फ वोट बैंक के लिए और आखिरी मोमेंट पे एक किस्म का तुक्का भेड़ने के लिए इस किस्म की बातें कर रहे हैं। हम किसी किस्म की फ्री उसके बिजली के खिलाफ नहीं है, लेकिन क्या उन्होंने इस पर कोई स्टडी करी? क्या कोई इस पर रिपोर्ट बनी? क्या कोई उन्होंने असेंबली में रिपोर्ट पारित करी? क्या कोई रिपोर्ट दिखाई? उस रिपोर्ट के अनुसार क्या था, क्या नहीं था, बस बोलने की बातें हैं। तो मैं ये समझता हूँ, और पार्टी, जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी भी ये समझती है कि वो तो सिर्फ आखिरी मोमेंट पे डर के मारे अनाप शनाप किस्म की बातें करके जनता को बरगलाने के चक्कर में है। केजरीवाल जी लगातार शासन में रहे और हर बार उनका कहना था कि हम कोई भी काम करते हैं तो हम सर्वे करते हैं और जनता के बीच जाते हैं। 200 यूनिट माफ़ की बात तो कर रहे हैं, घोषणा भी कर रहे हैं, लेकिन जनता से इस पर राय नहीं लिया। साफ दिख रहा है कि केजरीवाल जी डरे हुए हैं, और जिस कारण सरकार के आखिरी समय में जो घोषणाएं हो रही है वो साफ दिखाता है कि ये चुनावी घोषणा है। दिल्ली से रवि नीरज दूरदियात के लिए वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ। ऐसी ही बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।